जी मेरा 6.5, वो बात तो ये बोल रहा था कि 6.5 लाख का मैं कर्जाई हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट, यानी कि पाकिस्तान टू दुबई टू सऊदी अरेबिया, यानी कि आज कुछ भाई अभी पहुंच भी चुके हैं। और यानी कि मैं आपको ये बात भाई बताऊंगा कि आप दुबई के थ्रू सऊदी अरेबिया में कैसे आ सकते हैं। आपको मैं जो अभी की ताज़ा तक सूरत हाल है उससे आपको अपडेट कर दूंगा। कुछ भाई एजेंट वगैरह को मिल चुके हैं, उनके जो मामलात हैं एजेंटों वगैरह के साथ उनसे बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन एक बंदा दुबई के थ्रू पहुंच चुका है, उससे मेरी गपशप हुई थी। मैं आपको कुछ लाइव लाइव क्या यार कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अगर आपकी ये सलाह है दुबई के रास्ते आने के थ्रू। और एक आखिर में एक चीज़ आपके साथ क्लियर करूंगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए, दुबई के रास्ते आ जाना चाहिए या फ्लाइट्स का इंतजार करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आपको मैं लंबी चौड़ी तफसील क्या बताऊंगा कि आपको पता है जी आपको वैक्सीन कंप्लीट करनी है प्लस चाइना है तो बूस्टर के साथ, और नादरा का सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको एयरपोर्ट के ऊपर आप दुबई के लिए सफर करना चाहते हैं तो आपको रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। कुछ बंदे बोल रहे हैं जी 35 साल से जायद उम्र के अफराद दुबई आ सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान से, लेकिन ये कहीं भी कन्फर्म नहीं है, किसी न्यूज में मैंने नहीं पढ़ा है ना किसी, मैंने कोई कंफर्म जराए के थ्रू मुझे पता चला है कि 35 साल से जायद ही बंदे आने चाहिए। हाँ एक दो बंदों के मुंह से मैंने जरूर सुना है, आप अपने एजेंट से इसके मुतल्लक भाई तफसील पूछ लीजिएगा। फिर भी उसके बाद भाई आप दुबई के लिए सफर करते हैं, दुबई की एक तो टिकट सस्ती है जी। मैं अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखते हैं तो मैं आप भाइयों को बता चुका हूँ उस वीडियो में कुछ वीडियोज में कि दुबई के रास्ते भाई अभी बेस्ट है सऊदी अरेबिया में। क्यों भाई? एक तो दुबई की टिकट सस्ती है जी ये पाकिस्तान से, फिर दुबई से सऊदी अरेबिया की टिकटें सस्ती मिलती हैं आपको। भाई वहां पर जो पैकेज खरीदना पड़ेगा दुबई के लिए उसमें आपको स्टे के पैसे भी देने पड़ेंगे, किसी भी आप होटल वगैरह में जो स्टे लिखा हुआ है आपका। ऐसा बिल्कुल नहीं है आपका कोई दोस्त रहता है, भाई रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है आप उसके पास ठहर जाएंगे, नहीं जी आपको वहां पर वो पैकेज पूरा खरीदना पड़ेगा और वहां पर 14 दिन का जायद टाइम आपको गुजारना पड़ेगा दुबई में, यानी कि 15 दिन बोल रहे हैं या 16 दिन बोल रहे हैं आप। उसके बाद आप सऊदी अरब का सफर करके, सऊदी अरब का तो वैलिड वीजा है जी आपके पास, यानी कि आपके पास छुट्टी वाला पेपर होना चाहिए जो आप यहां से लेकर गए थे। आपके तवक्कल ना के ऊपर आपका स्टेटस अपडेट होना चाहिए, इम्यून होना चाहिए। आपको पता है जो मेरे भाई छुट्टी के ऊपर गए हुए हैं वो यहां पर तवक्कल अपनी किसी ना किसी दोस्त भाई को भाई उसका पासवर्ड वगैरह देकर खुलवा कर अपडेट कर चुके हैं। अगर फिर भी आपकी तवक्कलना पर अम्यून नहीं आ रखा है, यानी कि दोनों वैक्सीन का स्टेटस अपडेट नहीं अभी तक हो, आप करवा सकते हैं किसी भी मुश्किल की वजह से, तो आप सेहती में आपका अपना भाई दोनों वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसकी एक पेपर निकलवा लें, उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, पेपर निकलवा लें, वो बेस्ट है जी। और सऊदी अरेबिया में आने से भाई आप 60-70 घंटे, यानी कि 72 घंटे का टाइम होता है, लेकिन आप 60-65 घंटे पहले मुकीम वेबसाइट के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो एक सिंपल सा तरीका है, आप अपने मोबाइल से खुद से ओपन कर अपना नाम, इकामा नंबर, फोन नंबर वगैरह, अपनी वैक्सीन की जो मुकम्मल सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नंबर होता है वैक्सीन का, वो आपने लिखना है और ओके कर देना है। मुकीम के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये 60 या 70 घंटे पहले करना है भाई सऊदी अरेबिया में आने से पहले। उसके बाद आप दुबई से भाई सऊदी अरेबिया की फ्लाइट लेकर सऊदी अरेबिया में आ जाएंगे। आपको कोई किसी किस्म का यहाँ पर कंटाइन नहीं करना होगा, ना कोई किसी किस्म की मुश्किल होगी। आप सीधे सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे और अपने किसी भी जो भी रिश्तेदार है, भाई है, दोस्त है या किसी काम के ऊपर कंपनी में, आप सीधे उनके पास जा सकते हैं, वहां पर काम शुरू कर सकते हैं अपना अगले दिन से ही। तो दुबई के रिश्ते भाई ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अभी बता देता हूँ आपको पैकेज, यानी कि जो भाई आया है उसके बकौल, वो बंदे ने मुझको बोल रहा है जी मेरा 6.5, वो बात तो ये बोल रहा था कि 6.5 लाख का मैं कर्जाई हो गया हूं भाई। तो मैंने उसको बोला यार दुबई के रास्ते तूने 6.5 लाख रुपए लगा दिए हैं। वो बोलता है नहीं भाई मेरी बात सुन, मेरा जो इकामा था ना वो मैंने खुद से अपडेट करवाया है भाई, उसका इकामा उसने खुद से पैसे देकर लगवाया, उसका इकामा नहीं बढ़ रहा था। जहां पर किसी दोस्त से उसने बातचीत की, उसने पैसे उसके भेजे, उसका इकामा अपडेट किया गया, उसके बाद वो बोलता है जी जो मैंने दुबई के पैकेज वगैरह खरीदा और फ्लैट्स वगैरह के जो मामला थे, बहरहाल 6.5 लाख रुपए वो भाई इकामा अपडेट के बावजूद बोल रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से दुबई के रास्ते अगर आप इस वक्त सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं तो आपका भाई 2 से 2.5 लाख, अगर कुछ ज्यादा पैकेज महंगा आपको मिलता है तो 3 लाख, वरना भाई 2 से 2.5 लाख के अराउंड में आप इजी आ सकते हैं दुबई के थ्रू सऊदी अरेबिया में। अभी बात कर लेते हैं कि आपको दुबई के थ्रू क्या सऊदी अरेबिया में अभी आना चाहिए या फ्लैट्स का इंतजार करना चाहिए।
तो भाई आप अगर तो आपका यहां पर कारोबार खुद का है या कोई आपकी जॉब अच्छी है जिसमें आप 4-5-6 हजार रियाल कमा लेते हैं महीना, तो फिर आप अभी से आ जाएं, कोई मुश्किल नहीं है। फ्लैट्स को छोड़ें यार, फ्लैट्स जब ओपन होगी जब तब देखा जाएगा। अगर आपकी जॉब है जी 1500-1600-1700-2000-2500-3000 की भी अगर आपकी जॉब यहां पर चल रही है सऊदी अरेबिया में, जो नौकरी वाले मेरे भाई हैं लेबर, तो वो भाई फ्लैट्स का ही इंतजार करें, उनके लिए यही बेहतर है। क्यों भाई, आप 2-2.5 लाख रुपए लगाकर 3 लाख रुपए वहां से आएंगे तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में फ्लैट्स बहाल हो जाएं। क्यों भाई, बिलाल अकबर साहब की तरफ से एक अच्छा कमेंट भी सामने आ चुका है, और आपको पता है सऊदी अरेबिया में इस वायरस के केस भी अभी 50 से भी कम सामने आ रखे हैं, तो आने वाले वक्त में फ्लैट्स ओपन होने के चांस भी बहुत ज्यादा सामने आ रखे हैं। बहरहाल फ्लैट्स के मुतल्लिक बिलाल अकबर साहब के कमेंट के मुतल्लिक मैं आपके साथ एक और अलग से वीडियो शेयर कर दूंगा।